पार्षद का चुनाव लड़ने का आपका नाम आ रहा है, क्या आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही 20 साल से पार्टी के दिशा निर्देशों का एक पालन हुआ, आगे भी यही हुआ। आपके बीच में अभी पूर्व जो ग्राम प्रधान थे उनके माता जी के जो पुत्र हैं देवेंद्र त्रिपाठी, वह काफी दिलचस्पी ले रहे हैं चुनाव लड़ने में। अभी एक कार्यकाल उनका बीता नहीं कि पार्षद के प्रत्याशी के रूप में भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी तो भाजपा के मंडल संयोजक के रूप में कार्यरत है वर्तमान में, और आप भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, सदस्य हूँ, जो भी हैं आप, लेकिन आप दावेदारी नहीं कर रहे हैं, वह दावेदारी कर रहे हैं, यह कहाँ का मान होता है? और भारतीय जनता पार्टी किस रूप में उनको यह निर्देश दिए कि बैनर पोस्टर टांग करके अब चुनाव के लिए मैदान में आ जाइए और आप पार्टी का सिपाही बन करके उनके पीछे दौड़ते रहिए? एक कार्यकर्ता की मतलब अच्छा होती है, होनी भी चाहिए। एक कार्यकर्ता पोस्टर लगा सकता है, बैनर लगा सकता है, टिकट देना ना देना संगठन का काम है, संगठन जिसको टिकट देगा हम लोग उसको बहुत ही अधिक मतों से जिताने वाले हैं, इस शहर में रिकॉर्ड बनाऊंगा। देवेंद्र त्रिपाठी अभी पूर्व में उनकी माता जी जो ग्राम प्रधान थे और मंडल संयोजक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आप भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, यानी आप भी किसी पद में हैं कि नहीं? मैं 20 साल से भाजपा हूँ, हम लोगों के लिए पद मायने नहीं रखता। नहीं नहीं, देवेंद्र त्रिपाठी जी के पास मंडल संयोजक का पद है, लेकिन आपके पास कौन सा पद है भारतीय जनता पार्टी में? मैं बहुत पदों पर रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में कोई पद पर है कि नहीं? अभी रेलवे का सलाहकार था, उस सलाहकार की दावेदारी नहीं, लेकिन आप दावेदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अपनी अपनी भावना, हम तो संगठन के दिशा निर्देशों पर काम करने वाली कार्यकर्ता है। मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद प्रत्याशी के रूप में भरदिया वार्ड से वार्ड नंबर 37 से अगर आपको मौका देती है, आप किन मुद्दों पर किन आधार पर चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच में? एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, होर्डिंग कल्चर जो है मुझे पसंद ही नहीं। आपकी अगर आपका व्यक्तित्व अगर इस कदर है कि लोग आपका चर्चा कर रहे हैं तो आप वैसे ही जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। आपको ना होर्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी, बैनर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, जनता आपको नहीं जानती है तो आपको होर्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बैनर की आवश्यकता पड़ेगी, आप माइक लेकर चिल्लाएंगे, लेकिन आप जनता के बीच में हैं सब। अभी भाजपा से नगर निकाय चुनाव पार्षद का जो होने जा रहा वार्ड नंबर 37 भरवरिया का, इस भरवरिया में अभी तक देखा जितने खंभे हैं बिजली के खंभे, उन सारे खंभों में पूरा बैनर पोस्टर से भाजपा का मतलब पूरा कलर बोर्ड, पूरा खंभा, बिजली का खंभा, जब तक तार भी नहीं दिख रहा है। इस समय वर्तमान की परिस्थिति यह चल रही है, लेकिन प्रत्याशियों का होर्ड लगा हुआ भाजपा का, कम से कम प्रत्याशियों का रिश्तों का 40-45 के ऊपर है, इस पर आपकी क्या राय है? जी, और स्पष्ट कर दूँ, पूरे शहर में कहीं जर्जर तार नहीं है, सारी जगह जहाँ सड़कें नहीं थी लगभग सड़कें हो चुकी हैं। बाकी पार्टी का दिशा निर्देशन दिया करके आरक्षण आएगा, पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसके साथ कदम से कदम मिला के लाया जाएगा, लोगों को सहयोग दिया जाएगा। अभी भरवरिया में जो पंचवटी नगर कॉलोनी है भरवरिया ग्राम सभा में, उस ग्राम सभा के अंतर्गत पंचवटी नगर कॉलोनी में पूरा जल जमाव की समस्या, पूरा जल जमाव भरा हुआ, कीड़े मकोड़े जो जहरीले सांप हैं अन्य किसी के घरों से लेकर के नहीं बल्कि हमारे भी घर में भी और अन्य लोगों के घर में भी घुस जाते हैं और काट लेने का शंका बना रहता है, इस पर आपका क्या राय है? मुख्यमंत्री जी एक बार दावा करते इतना करोड़ रुपया मैं देकर जा रहा हूँ, ये सब फंडिंग जाता कहाँ पर है? तो बड़ा कभी कष्ट होता है कि लोग पढ़े लिखे हैं, शहरी घर लगभग सभी लोग पढ़े, लगभग सभी लोग 10 रुपया लगा के एक RTI नाम सुनते हैं कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ, क्या झूठ है, क्या सत्य है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं है। एक कसम खा के होते रहते हैं, आलोचना करने का एक शौक पाल रखते हैं, अच्छा काम हो तब भी आलोचना करना है, गलत काम हो मतलब शिक्षा के अभाव में केवल आलोचना आलोचना। आप ध्यान देखिए, बजट दबाइए, चारों तरफ नाले बन रहे हैं, कहीं नाले पूरे हुए हैं, कहीं नहीं पूरे हुए हैं, जिस दिन नाले सभी बन के तैयार हो जाएंगे
नहीं, जल जमाव की जो समस्या है काफी दिनों से लगा हुआ है। अभी चलिए मैं अपने घर के